तो हमने सुबह का नाश्ता हैवी किया नहीं है, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि आप लस्सी पी लोगे, उसी से आपका गुजारा हो जाएगा। यार ये तो इसका मक्खन निकल आया। हाँ सर, पेड़े का मक्खन है। यार पेड़े का कैसे मक्खन निकल आया? महीना चल रहा है फरवरी का, चुनाव आने को है। मौसम ये ठंड का होता है, लेकिन चुनावी गर्मी इतनी बड़ी हुई है, तो मुझे लगा उस गर्मी को थोड़ा दूर करने के लिए हम इधर लस्सी वालों के पास जाएं और एक आध लस्सी खुद पिएं, चखें। ज्ञान दी लस्सी, जिसकी लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम पिछली बार आपको मलाई मक्खन की लस्सी हमने दिखाई और मैंने पी थी, इस बार हम आपको कोई और लस्सी दिखाएंगे। तो ये पेड़े वाली लस्सी का जिक्र मैंने यहाँ पर सुना है, मेरे को बताइए थोड़ा क्या होती है पेड़े वाली लस्सी? सर पेड़े, उसमें तीन पेड़े डलते हैं, एक दो तीन। अब सर ये देखो, उसको थोड़ा इसकी मसाज करेंगे। अच्छा। पेड़ों की एक्चुअली 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने के लिए। हाँ ये क्या पानी डाल रहे हैं अभी आप इसमें थोड़ा, ताकि उसका वो मिक्सचर बन जाए। हाँ जी, जो पेड़ा है इसका पूरा पेस्ट बना देंगे। हाँ जी, इसको मसाज करके पूरा पेस्ट। अच्छा मेरे को बताओ, आपकी दुकान तो काफ़ी पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी है, तो यहाँ पर कोई बड़े बड़े लोग भी आते हैं दूर दराज से लोग? हाँ सर आते हैं, उनकी स्नैप लगी हुई है, राजा मुराद और विकास करना और जॉन ब्रांड जो बाहर से आते हैं। तो एक बुजुर्ग थे वो यहाँ पर लस्सी पी रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाऊजी आप कहाँ से हैं, तो कहते मैं मेहता चौक से आया हूँ, 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहते जब अमृतसर आऊँ, जितनी मर्जी बार आऊँ, चाहे महीने में 4 चक्कर भी लगे, यहाँ से लस्सी ज़रूर पी कर जाता हूँ। देखिए उनकी मेहनत लग रही है, पूरी मटकी में से पेड़ा जो है उसका पेस्ट पूरा तैयार कर दिया गया है। तो आपकी कौन सी लस्सी ज़्यादा बिकती है, मक्खन वाली या पेड़े वाली? मक्खन वाली सर, पेड़े वाली तो ऑर्डर से बनती है ना। अच्छा, मतलब ये तो होती हैवी, एक बार पी लोगे ना सारा दिन भूखने लगेगी। यार ये तो इसका मक्खन निकल आया। हाँ सर, पेड़े का मक्खन है। यार पेड़े का कैसे मक्खन निकल आया? सर ये सब मावा का है, मावा का मावा। अच्छा, वो मिक्स करते करते। हाँ जी, मिक्स करके मक्खन निकला है। वाह ये तो कमाल की चीज़ है बिल्कुल। सर इसमें ग्लास में डालेंगे आप? ये सारा ग्लास में डाल दिया हमने। अच्छा ओके। हाँ। और ये जो पेड़े का पानी, सॉरी पेड़े का पानी है। हाँ। उसको इसमें डाल देंगे अंदर। अच्छा ओके। और अब ये यहाँ से ना हम दही डालेंगे। अच्छा, लस्सी के लिए ये ऊपर से आपने मलाई छांट दी। हाँ जी, और अब आप दही डालेंगे। गाढ़ी दही आपको दिख रही है आपके सामने। शुगर होगी, चीनी डाल दी। ये सर गुलाब जल है, अब वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा मक्खन निकल गया, अब ये लस्सी बननी तैयार हो गई है। वाह देखिए ये आ गई पेड़े वाली लस्सी। गाढ़ी देखिए आप कितनी ज़्यादा है, और जो मक्खन नीचे था वो तैरता वो ऊपर पहुंच गया है। ये ग्लास भर गया पेड़े वाली लस्सी का। ये मलाई डाल रहे हैं अभी। अच्छा यार मलाई भी पूरी भर के डाली है, कैसे भूख लगेगी किसी को। लो जी इसको पी के देखते हैं हम। बहुत स्वाद, बहुत ज़्यादा स्वाद। मैं तो अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ, आप वीडियो देखिए। वीडियो देखते देखते कभी अमृतसर पहुँचे तो ज्ञान दी लस्सी पे आप लस्सी ज़रूर पीजिएगा। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।